अमेरिका से लौटते ही प्रियंका गांधी एक्शन में आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें कांग्रेस का महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए हुए 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में ही प्रियंका पूरे फॉर्म में अब नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस का महासचिव बनने के बाद पहली बार दिल्ली की एक झुग्गी में पहुंची और यहाँ लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने एक डिसेबल बच्चे से भी मुलाकात की। औरंगजेब रोड पर प्रियंका गांधी झुग्गी में पहुंची और जिस दिव्यांग बच्चे से मिली उसका नाम आशीष बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी हर 2 महीने बाद यहां आती हैं और यहां लोगों के साथ वक्त बिताकर लोगों का हाल चाल लेती हैं। ये बीते 3 से 4 सालों में आशीष के इलाज में मदद भी करती आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के नाम की प्लेट कांग्रेस मुख्यालय के कक्ष के बाहर लग चुकी है। ऐसे में अब पूरी तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ये झुग्गी की राजनीति से अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति की जाएगी। SPNI न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।